रंग गोरा करने के लिए एक अच्छी सी आपको होम रेमेडी भी बताते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक कोकोनट बनाना आपको सिखाऊंगा, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप देख लीजिए आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले तो देखिए हम लेंगे इसके अंदर दही, ठीक है। दही के साथ हम लेंगे जो है रोगने बादाम का तेल, रोगने बादाम, ठीक है। इसके साथ चाहिए होगी हमें चीनी, हमें चाहिए होगी चीनी, ठीक है। और बाकी हमें देखिए जो हम चने खाते हैं काले वाले जो चने होते हैं उसका छिलका उतार के उसका आपने ये इस तरह का बारीक बारीक पीस लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये चावल का आटा लेना है, ठीक है। ये चावल का आटा ले लिया और ये टैल्कम पाउडर है, टैल्कम पाउडर जो हम अपने चेहरे पर लगाते हैं उसमें करते हैं उसके लिए। बाकी एक जड़ी बूटी होती है चरौंजी, ठीक है, उसका भी हमने इसके अंदर ये पाउडर बना लिया, ये आप देख सकते हैं। ये तकरीबन जो है सात चीज़ें हैं, सात चीज़ों से बल्कि आठ चीज़ें हैं, एक चीज़ और रह गई वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर दही डालेंगे, तीन चम्मच हमने इसके अंदर दही डालना, दो चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, ठीक है, और इसके अंदर फिर हम डालेंगे ये टैल्कम पाउडर, ठीक है। टैल्कम पाउडर कोई सा भी ले लें, खुशबू वाला ले लें, सादा ले लें, ठीक है। बस गर्मी दानों वाला मत लीजिएगा, जो ठंडक मचा देता है, मैंथॉल जिसमें डाला होता है। उसके बाद हमने तकरीबन तीन से चार चम्मच जो है हमने ये चने का जो है बना के रखा है, ये तीन चम्मच हमने इसके अंदर इसके डाल दिए। फिर हम इसके बाद हम इसको डालेंगे इसके अंदर ये चावल का आटा, ठीक है। जिन लोगों की हाथ पांव बहुत काले रहते हैं और उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़। और उसके बाद हम इसमें तकरीबन चरौंजी जो है ये उसका पाउडर डाल देंगे, जड़ी बूटी होती है पंसार की दुकान पे पता करेंगे आप चरौंजी का, तो ये हम इसके अंदर डालते हैं। और इसके अंदर हम देखिए जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो वो लोग इसको जो है दूध के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो वो पानी में या फिर गुलाब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर, अब इसके अंदर दो चीज़ें हमने मज़ीद और ऐड करनी है, तो ये हमारा उपटन बिल्कुल रेडी हो गया है। जिन लोगों के यहाँ अभी शादी का सीज़न चल रहा है तो वो लोग जो है इसे लगाएं, अपने हाथ और पाँव पे भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा आप इसका रिजल्ट पाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि इसका। इसके बाद हम भी इसमें रोगने बादाम इसके अंदर डालते हैं, और इसके साथ हम जो है इसके अंदर हल्दी डालेंगे, माइयों मेहंदी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने इसके अंदर हल्दी डाल, एक चम्मच से चाय से कम जो है हमने इसके अंदर हल्दी डाल दी। अब ये हमारा एक उपटन तैयार हो गया, अब ये उपटन हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको ये मैं अपने हाथ पे लगा कर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ब्रश की मदद से नहीं लगा रहा, हाथों की मदद से लगा रहा हूँ, क्योंकि उपटन जो है हाथों से, शादी है या कोई तकरीब चल रही है या वैसे ही आप घर में हैं तो इसको आप लगाएं इस तरीके से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और अच्छा है, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से इसको हमने लगा लिया, इंतहाई ठंडक का एहसास हो रहा है हाथों में, ठीक है। और जो है इसको लगाने के बाद आपने इसका फिर हल्के हाथ से इसका मसाज करना, हम इसका बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मसाज करेंगे, ठीक है। और क्योंकि देखें अभी हाथों पे तो आप इसे ज़रा सख्ती से भी कर सकते हैं, लेकिन चेहरा तो आपका अपना ही है ना, उसको ज़रा सॉफ्ट तरीके से आप कीजिएगा। और आप ये देखिएगा आज आप अपने घर में कीजिए, आपको प्रॉपर तौर पे जो है ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत ज़बरदस्त किसी अच्छे सैलून से फेशियल करवाया। तकरीबन मुझे लगाए हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब इसके बाद जो है जाहिर बात है आपने तो अपने चेहरे गर्दन कानों हाथ पर तकरीबन 20 मिनट के लिए लगाना है, तो इसे मैं अब इसे वॉश कर लेता हूँ
और फिर आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट कि कितना शानदार आ रहा है। और जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा लूज है वो लोग भी इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने चेहरे, गर्दन, कानों, हाथ पर। जिन लोगों की गर्दन बहुत ज़्यादा काली है वो भी जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह पानी की छींटे मारनी है। अब आपके हाथ में अगर अर्क गुलाब है तो उसका स्प्रे करके फिर आप इसे आहिस्ता आहिस्ता मल कर इसे उतार लें, क्योंकि ये देखिए जब आप 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे ना तो इससे ये होगा कि ये आपका बहुत अच्छे तरीके से आपके फेस पर इनके जम जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। इसको ये कर, ये देखिए ये इसको ऐसा ऐसा मलते जाएंगे, पानी से हम इसको धोते जाएंगे। ये आप देखिएगा मेरे दोनों हाथों को कि किस तरीके से देखिए। सिर्फ हमने 5 मिनट लगाया है और जो है आ गया, जब आप 20 मिनट लगा के रखेंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये देखिए। तो ये बहुत यानी कि अच्छे यानी कि आपके हैंड हो जाएंगे, खूबसूरत, अच्छा लगेगा।